देखिए मैडम डेली इन लोग के लिए रोटी खाना है लाती बहुत। है। ये देखिए गरम गरम रोटी है इसलिए खा नहीं रहे हैं, अभी खाएंगे। और छुटकी राम वहाँ खड़ी हैं। मैडम जी कितना रोटी है, 5-6 होगा ना? ज्यादा है। खाने में व्यस्त हैं। उधर कालू लोग को भी देना है। उधर उधर भी भी ले जाऊं क्या यार? उधर के कुत्ते को भी ले जाती हूँ, भी दे दूंगी उनके लिए। लो काफी गर्म है फिर भी खा रहे बेचारा। अब दो ठोक उसके लिए ले जाती हूँ, उसको दे देती हूँ। देखिए गाइस जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं। इन लोग को डेली मैं रोटी और चावल खिलाता हूँ। बहुत प्यारे हैं, देख सकते हो कितने सारे हैं यहाँ पर, लगभग 50 से ऊपर ही होंगे। कल का रोटी बचा था रात का मेस में तो खिला दिया। देखो कितने सारे उछाल उछाल कर खा रहे हैं। और ये देखो ये कालू है, कालू कालू भी रोटी खा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है इनको देखकर। बहुत प्यारा पक्षी है, एकदम सुंदर लगता है बहुत ज़्यादा। तो आप लोग भी अगर ऐसे ही हो पशुओं की सेवा कीजिए, है ना। देखो बेचारे कितने भूखे हैं। खाने देता हूँ अब मैं इन लोग को, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। ये देखो कितना प्यारा लग रहे हैं, वाह। देखो कालू उन लोग के बीच में, वो भी खा रहा है। उन लोग को खाने नहीं दे रहे कबूतर लोग को, अपना खा रहे हैं। कितने सारे हैं देखो, वाइट कलर वाला बहुत प्यारा लग रहा है। ये हमारी तरफ जहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, देखिए कितना अच्छा हरियाली है चारों तरफ। असम में यही खूबसूरती है। आज रात को बारिश भी हुआ है तो और अच्छा लग रहा है मौसम, ठंडा ठंडा। और इनको देखकर तो और ही सुकून मिलता है, चिड़िया की आवाज़ सुनकर और अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। आज मैडम जी के साथ तो अभी नहीं हुई इस ब्लॉग में, तो आशा करता हूँ आप लोग के ब्लॉग पसंद आएगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, जय।